यस नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स हैं कशापिका और पक्षमापिका। तो कशापिका और पक्षमापिका दोनों ही झिल्ली से निकले उभारनुमा संरचना है। ये झिल्ली से निकले उभारनुमा संरचना है, जो लंबी संरचना है वो कशापिका कहलाती है फ्लैजिला, और जो छोटी संरचना है वो पक्षमा या रोम सीलिया कहलाती है। तो रोम कोशिका के चारों ओर पाए जाते हैं, जबकि कशापिका जो है यह केवल कोशिका के सिरे पर ही पाई जाती है, जो संख्या में एक दो या चार हो सकती हैं। किंतु जो सीलियाज हैं, रोम है या पक्षमाभ है, वो कोशिका के चारों ओर मतलब 300 से लेकर के 1400 तक के यानी असंख्य संख्या तक में हो सकते हैं। अब इनकी गति जो है लहर के समान, जो फ्लैजिला है ये फ्लैजिला है मान लीजिए, तो इसकी गति क्या होगी लहर के समान। जिधर फ्लैजिला है उधर उसकी गति लहर के समान होगी और वह उधर ही उसका मूवमेंट होगा। और इसकी गति क्या है पेंडुलम के समान, ये कोशिका के चारों ओर है और समान गति है, पेंडुलम के समान गति करते हैं इधर उधर, जैसे घड़ी पेंडुलम करती है ना इधर और इधर, तो इस तरह से पेंडुलम के समान इसकी गति है। किसकी है रोम की। पक्षमाप की गति जो है पेंडुलम के समान है, जो सभी एक साथ गति करते हैं। कश्यप का स्वतंत्र गति करता है, क्योंकि ये एक या दो ही होते हैं तो स्वतंत्र गति करता है अपने हिसाब से, अकेला अपने हिसाब से गति करता है और उत्तरी कोशिका को मूवमेंट दे देता है। और इसी तरह से पक्षमाप में चारों तरफ गति पक्षमाप पाए जाते हैं, कोशिका के चारों तरफ पक्षमाप पाए जाते हैं जो समान गति करते हैं, कोई एक पर्टिकुलर गति नहीं करता है, सभी पक्षमाप जो है समान गति करते हैं। यह चिकने और खुरदरे प्रकार का हो सकता है, जबकि यह एक समान होता है, क्योंकि चिकना है तो चिकना ही होगा, खुरदरा है तो खुरदरा ही होगा, तो ये एक समान होते हैं। ये तो है दोनों में अंतर कि पक्षमाप और कशापिका में क्या अंतर है, ये अंतर हो गया। अब है इनकी संरचना कैसी होती है, दोनों की संरचना समान है लेकिन जो है वो कोशिका में दोनों अलग अलग तरह से पाए जाते हैं। आंतरिक संरचना दोनों की समान है, इनका जो निर्माण है इनका उद्गम जो है वो दोनों में समान होता है, निर्माण इनमें दोनों में आंतरिक संरचना दोनों में समान होती है। तो ये कशापिका या पक्षमाप जो है वो निम्न जाति के जंतुओं में या कवक शैवाल आदि के अंदर ये पाए जाते हैं, तथा ये उसको गति प्रदान करने का काम करते हैं। कशापिका या फ्लैजिला जो है उसको गति प्रदान करने का, जिनको गति प्रदान करने का कार्य करते हैं। इसके तीन भाग होते हैं, जो भी कशापिका या पक्षमाप है यानी फ्लैजिला या रोम है सीलिया है, उनके तीन भाग होते हैं, शॉफ्ट आधारी भाग और पक्षमापिका मूलिका। मूलिका का मतलब है जहाँ अंदर से निकलने वाली संरचना, और आधार जहाँ से अंदर से आधार से जुड़ा हुआ भाग है जो, और शॉफ्ट जो ऊपर का भाग है। ये तीनों संरचना है, और शॉफ्ट जो है सूक्ष्म नलिकाओं से बना संरचना है, बनी संरचना है। ये देखिए ये शॉफ्ट वाला भाग है जो परिधि की ओर है, ये परिधि में शॉफ्ट में 9 सूक्ष्म नलिकाओं के जोड़े हैं, द्विक है। ये क्या है सूक्ष्म नलिकाओं का द्विक। जो परिधि की ओर है और परिधि की तरफ सूक्ष्म नलिकाओं का द्विक जो है वो 9 के अंदर है, इनकी संख्या 9 होती है, और मध्य में केंद्र भाग में 2 सूक्ष्म नलिकाएं पाई जाती है। प्रत्येक सूक्ष्म नलिका जो केंद्र की तरफ है, प्रत्येक सूक्ष्म नलिका
अंतराद्विक सेतु द्वारा एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो इस प्रकार से इसकी संरचना में जो परिधि की और सूक्ष्म नलिकाएं हैं उनकी संख्या 9 और मध्य की तरफ जो सूक्ष्म नलिकाएं हैं वो 2 है। तो इसको जो व्यवस्था है वो कहलाती है 9+2 की। सूक्ष्म नलिकाओं की जो व्यवस्था है वो 9+2 के अंदर पक्षमाभिका तथा कशाभिका के अंदर व्यवस्थित होती है। अब आते हैं इसके कार्य। पक्षमाभिका तथा सूक्ष्मा या फ्लैजिला तथा सीलिया का कार्य जो है वो मेन तो गति करने का है तथा दूसरा है पदार्थों के अभिगमन और परिवहन को नियंत्रित करने का है। तो इस प्रकार से अपना जो अदर्स सेल ऑर्गेनलिज्म में फ्लैजिला और सीलिया ये लास्ट पार्ट है वो खत्म होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट आएगा केंद्रक, इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।